हरियाणा में लोकसभा चुनाव में जबरदस्त नुकसान उठाने के बाद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी में घमासान मचता नजर आ रहा है। निशाने पर अब सीधे प्रदेश के टॉप लीडरशिप है। गुरुग्राम से लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने वाले कद्दावर अहिर नेता राव इंद्रजीत सिंह के तेवर आने वाले दिनों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद अपने समर्थकों के बीच पहुंचे राव इंद्रजीत सिंह ने केंद्रीय नेतृत्व की तो तारीफ की, पर उन्होंने प्रदेश नेतृत्व और अपनी ही सरकार को निशाने पर लिया। राव इंद्रजीत सिंह ने पूर्व की मनोहर लाल खट्टर सरकार और वर्तमान नायब सिंह सैनी सरकार पर उनके इलाके के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। साथ ही इशारों में आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद पर खुद की दावेदारी भी जता दी। हमारे को इस चीज का ये है, थोड़ा सा मलाल समझ लो कि हमने दो बार हरियाणा के अंदर सरकारें बनाई और हरियाणा की सरकार बने पीछे गुड़गांव के अंदर जो मेरे को नुकसान उठाया कि आज बिजली नहीं आ रही, आज कूड़ा नहीं उठाया गया, आज ये नहीं हुआ, आज मतलब सूरज बंद है। भाई ये सरकार हमारी 10 साल चल करके ये हमारे गुड़गांव में ही होना था, सूरज नहीं उठा गुड़गांव में ही होना था। इनके लिए बिजली सरप्लस है, अगर बिजली सरप्लस है तो ये 10-10 घंटे क्यों कटा होगी, इलेक्शन के दौरान क्यों हुआ और गुड़गांव में क्यों? मुझे और लोग पता नहीं गुड़गांव में क्यों, रेवाड़ी में क्यों, गुड़गांव में लोकसभा में क्यों, ये सवाल पूछे जाएंगे। और अब मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ मोटे मोटे तौर पर, पार्टी के डिसिप्लिन में मैं रहा, पार्टी के डिसिप्लिन में आरती रही। हमने चाह के नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तुमने बनाया, हमने बनाया, अभी भी आज के दिन देश की जनता ने बनाया, नरेंद्र भाई मोदी बन गया। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन बन गया? ये सवाल अब हमारे सामने आएगा तो सोचेंगे, विचारेंगे, बात करेंगे, पार्टी से भी करेंगे, पार्टी की टिकट लड़ने की कोशिश करेंगे। गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने इस दौरान अपनी बेटी आरती राव को आगामी विधानसभा चुनाव लड़ाने का बड़ा ऐलान करते हुए कहा, प्रदेश सरकार दक्षिण हरियाणा के बदौलत ही बनेगी। अब हरियाणा के इलेक्शन के लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। भाई जो हमारे से रूस गया तुमको पता चल जाएगा एक दिन में, दो दिन में, गाँव में तो तुमको पता ही चल रहा है। ये हमारे को दक्षिणी हरियाणा के मार्फत ही सत्तासीन होना है, नहीं तो नहीं होगी। और हमको समझ बना करके रखना, अपनी ताकत कायम रखनी है। इस चीज के लिए आज के दिन आपके बीच के अंदर आकर के ये संदेश देना चाहता हूँ कि हरियाणा के इलेक्शन हो सकता है समय से पहले भी हो जाए और आरती को मैं लड़ाऊंगा। मैं भी कह चुका हूँ, मेरे से पूछे बिना कह दी पहले तो मैं। अब मैं कह रहा हूँ इसको हम लड़ाएंगे, इसको बिना बिलाइट करेंगे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी ही प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि दक्षिण हरियाणा को उतनी भागीदारी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, आने वाले दिनों में हम इसके लिए प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि लाखों वोटों के मार्जिन से चुनाव जीतने वाले राव इंद्रजीत सिंह को इस बार कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उन्हें कांग्रेस के राजबब्बर की ओर से कई चुनौतियां पेश की गई। 6 बार के सांसद और 4 बार के विधायक राव इंद्रजीत सिंह की काफ़ी समय से मुख्यमंत्री पद पर नजर रही है। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने के पीछे की प्रमुख वजह भी यही थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन ने उनकी उम्मीद को नए पंख दे दिए हैं। तो हमारे को दक्षिणी हरियाणा को अपना हिस्सा राज्य के अंदर मिले, इस चीज़ की हम मंशा रखते हैं और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। इन 5 साल के अंदर जितना हमारा हिस्सा होना चाहिए था या जितना हमारे तरफ उनका रुझान होना चाहिए था वो मेरे को नज़र नहीं आया, तो इन आने वाले समय के अंदर उस चीज़ के लिए बंदोबस्त करेंगे।